बैरागढ़ के 3EME सेंटर में बनाया गया आर्मी कोविड सेंटर, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं कलेक्टर भोपाल अविनाश लावनिया। स्टेशन कमांडर आशुतोष शुक्ल ने कराया निरीक्षण एवं बताया कि सेना द्वारा बनाए गए 150 बिस्तर के अस्पताल को सरकार की अपील पर 48 घंटे में तैयार किया गया है। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप हुडेरिया ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये देश में 10-15% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें गंभीर संक्रमण होता है और जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन या प्लाज्मा की जरूरत पड़ सकती है। हमारा मिलिट्री का जो CCC है, कोविड केयर सेंटर, वो शुरू हुआ है। 150 बिस्तर का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें 40 बिस्तर महिलाओं के लिए डेडिकेट किए गए हैं। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस प्रकार से इस देश में सेना ने हर संकट में समाज के साथ खड़े होकर देश की सेवा की है, और खासकर ऐसे संकट जो कि समाज को जिसमें सेवा की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें सेना आगे आई है। आज यहाँ कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ है, जिसमें भोपाल की जनता को कोविड केयर की सुविधाएं मिलेंगी। 48 घंटे में ये शुरू हुआ है। इसी तरह जबलपुर में भी इसी तरह का कोविड केयर सेंटर शुरू हो रहा है। हमने राज्य सरकार की ओर से सेना को ये विश्वास दिलाया है कि उन्हें जो भी ज़रूरत होगी उसकी सभी सुविधाओं को हम मुहैया कराएंगे, चाहे वो मैन पावर की हो या इक्विपमेंट की हो। अभी जो 3EME सेंटर में कोविड केयर सेंटर सेना का शुरू हुआ है, उसको हम लिंक कर रहे हैं बैरागढ़ के हमारे सिविल अस्पताल से। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की हमने व्यवस्था की है, वहाँ जो भी कोविड के मरीज आएंगे उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जनता में घबराहट का आलम है, इसलिए लोग अपने घरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा ऑक्सीजन सिलेंडर जुटा रहे हैं। इस कारण से आपूर्ति का संकट पैदा हो गया है और बेवजह अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। यस जाडा की आपसे अपील, आपके परिवार के लिए आप महत्वपूर्ण हैं और आपका परिवार आपके लिए। कृपया सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस जाडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।